गाइस ये लोग अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पर गाइस यहाँ पर इनको देखिए, इस तरह से ये मन्नत माने हुए रहते हैं। यहाँ से नहा कर आके ऐसे ही यहाँ से ऐसे दीर्घ दंड नमस्कार करते हुए ये मंदिर तक ऐसे ही जाएंगे। ये देखिए ऐसे मार्क करते हैं यहाँ पर। गाइस ये पंडित जी है ना, ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर आसपास के जो 7 गांव है ना, 7 गांव मिलके ये बना हुआ है, इसलिए येलूर मतलब कनाडा में 7 है, तो 7 गांव का ये जो भगवान है इसलिए इसको येलगुर बोलते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। गाइस हम लोग आज ना बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के एक एलगुर क्षेत्र करके हैं, वहाँ पर जो है ना आंजनेय स्वामी रहनी की हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। और यहाँ ये जो मंदिर है ना कृष्णा नदी के ऊपर तट पर बना हुआ है, तो और ये एक यहाँ पर क्षेत्र विधि भी कर सकते हैं इस तरह से। ये संगम है क्या, ये मेरी दीदी है परिवारी, और बाकी जीजा जी को बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो अभी यहाँ पर पहले नदी में सब लोग नहा के फिर मंदिर जाएंगे। ये दोनों जा रहे हैं अभी नदी में नहाने के लिए। ये देखिए कृष्णा नदी का तट, सब श्रद्धालु यहाँ पर आके नहाते हैं और यहाँ से नहा के फिर दर्शन करते हैं हनुमान जी का। गाइस ये लोग अभी जा रहे हैं नहाने के लिए, ये देखिए। और यहाँ पर लेडीज भी नहा रहे हैं, उनका नहीं ले सकते तो भी देखिए। मेरा बेटा और वो मेरा जीजा जी है, बड़ी दीदी का हस्बैंड। ये ब्रिज है इस नदी के ऊपर। कुछ अपने लोग पूजा कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे मार्क करते हैं यहाँ पर, फिर उसी मार्क पर चल के फिर करते हैं। ये देखिए ऐसे मन्नत माने हुए रहते हैं, कोई कोई दीर्घ दंड नमस्कार यहाँ तक डालेंगे। जा रहे हैं मंदिर की तरफ, फिर कार में बैठ के मंदिर जाएंगे। ये है हमारा कार सेंट्रो, ये दीदी का है। अभी सारे फ्रेश होके सब लोग फिर से गाड़ी में बैठे हैं, अभी मंदिर के लिए जा रहे हैं। और ये मेन एंट्रेंस है दोस्तों, यहाँ से। और यहाँ पर जो है ना ये पुजारी जो मंदिर के पूजा करते हैं उन लोगों के ही ये घर है इस तरह से। ये देखिए ये पूरा मंदिर का महाद्वार है, यहाँ से अंदर जाना होता है। आज सैटरडे है ना तो बहुत रश है दोस्तों। ये देखिए और ये लोग यहाँ पर आए, यहाँ से लेके बहुत बड़ा क्यू है आज, क्योंकि सैटरडे है ना। सैटरडे को, हर सैटरडे को आप लोगों को तो वैसे भी पता है कि हनुमान जी का यहाँ पर सैटरडे का बहुत रश रहता है। और बाकी सारे इस तरह से आके बैठे हुए हैं, और आसपास के और कई जगह से ना लोग यहाँ पर
आते हैं और मन्नत माने हुए रहते हैं, तो उस दिन बताया था ना उस तरह से आके पूजा वूजा करके अपना मन्नत पूरी करके जाते हैं, नदी में नहा के सीधा यहाँ पर आके क्यू में लग जाते हैं सारे लोग। अभी भी वहाँ पर भी देखिए भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत सारा भीड़ है आज ये देखिए। और यहाँ पे कुछ हवन वगैरह करवाना होगा तो यहाँ पर हवन वगैरह करते हैं देखिए। और ये सारे जो घर हैं, ये सारे मंदिर के जो पुजारी है ना, इनकी जो बारी बारी से उनकी टर्न आती है तो तब जाके ये पूजा करते हैं। तो इस तरह से कुछ इस तरह से इन लोगों का घर है यहाँ पर। पहले पुराने पुराने घर थे, अभी सारे तोड़ के अच्छे से नया वाला बना दिया है सबने। और अभी हम परिक्रमा करेंगे यहाँ से मंदिर का। पर कुछ इस तरह से ना चावल वगैरह डालते हैं ये यहाँ से क्यों। और यहाँ पर जो है ना नारायण का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये है गाइस लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इस तरह से यहाँ पर पूरे इसमें जब परिक्रमा करते हैं तो बालाजी का और लक्ष्मी नारायण मंदिर मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये यहाँ के पंडित जी हैं बैठे हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से ले रहे हैं मेरी दीदी के हाथ से, वाओ। ओए सारी दे दो, मैं दे दो। कुछ रखे हुए यहाँ पर मंदिर के सामने और ये दो लेडीज़ बैठे हुए रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर पैसे डालना होता है इनको, ये देखिए। सभी सभी लोग ना पंचामृत अभिषेक के लिए तैयार होके बैठे हुए हैं। और आज हमारा ये पंडित जी है, ये हमारे जो ये पंचामृत अभिषेक कराएंगे। ये देखिए ये वाले जो पंडित जी है ना हमें अंदर लेकर जाएंगे। गाइस ये पंडित जी है ना ये बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर आसपास के जो सात गांव है ना, सात गांव मिलके ये बना हुआ है, इसलिए येलूर मतलब कनाडा में सात है, तो सात गांव का ये जो भगवान है इसलिए इसको येलगुर बोलते हैं, येलगुरेश्वर बोलते हैं। तो यहाँ ये बहुत जागृत है दोस्तों, यहाँ के जो हनुमान जी है ना ये बहुत जागृत है। और यहाँ पर जो है ना ये लोग एक अमावस्या के पूर्णमासी के दिन और
बाकी जो फेस्टिवल रहता है ना वो दिन छोड़ के बाकी सारा दिन इनसे कुछ ऐसे पूछने वाले कुछ अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, तो ये लोग पूछते हैं वो मूर्ति से अगर आपका काम बनना होगा ना तो वो जो फूल है ना उनके चढ़ाए हुआ वो दाएं साइड राइट साइड में गिरता है तो आपका काम बन जाता है, अगर लेफ्ट साइड में गिरता है तो आपका काम नहीं बनता है। तो इस तरह से इधर का कुछ महिमा है, यही बोला थे ना इधर। गाइस ये पंचामृत का जो सामान ये है ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ನಾ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡ